मानसून सत्र में बीजेपी के दो विधायक जमकर वायरल हुए। पहले थे झांसी विधायक रवि शर्मा, जो सदन में तमाकू खाते हुए नजर आए। वहीं महोबा के बीजेपी विधायक तीन पत्ती खेलने में मशगूल थे। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद दोनों नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने तमाकू खाने वाले रवि शर्मा को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो तमाकू खाता ही नहीं हूँ, मैं तो मुलेट ही चबा रहा था। जी भाई साहब नमस्कार। बढ़िया सर, लखनऊ में हैं आप? बाहर हैं? भैया घर हैं, झांसी में हैं। आपका सर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है सदन में, आप जिसमें कि तमाकू खाते हुए नजर आ रहे हैं, सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, तम्बाकू नहीं खा रहे थे जी। हम तो अपने उसमें डिब्बा जरूर बहुत ऐसा था जी, तो मुलेठी उलेठी सौंफ ऑफ रखे थे भाई साहब जी, है ना। अब वो तो चूंकि जिन्होंने भी चलवा दिया, लेकिन हम तम्बाकू खाते ही नहीं। आप तम्बाकू खाते ही नहीं है? अच्छा, सपा और कई विपक्षी दलों ने खूब वीडियो ट्वीट करा है और कहा है कि सदन की कार्रवाई के दौरान ये सब चल रहा है। नहीं आप भाई साहब देखिए, चूंकि कोई चीज चली है तो निश्चित रूप से विपक्ष बोलेगा, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है जी, तो मुद्दे बचे नहीं है, तो अब ये व्यक्तिगत मुद्दों को ले जा करके हवा देने का काम कर रहे हैं जी, है ना। और बाकी तो हमने आपको जो बताया जी, अभी कल पत्रकार महोदय ने, हम कल भी खा रहे थे, हमको पूछा तो हमने कहा लो तुम खा लो। अच्छा, पत्रकार महोदय को भी ऑफर कर दिया? तो भैया जब उसमें कुछ है ही नहीं, है ना, मैं जब सौंफ मुलेठी मिला करके लौंग इलायची, गले में हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, हालांकि वो देखने में लौंग लग नहीं रहा है भाई साहब, है वो देखने में लौंग मुलेठी लग नहीं रहा है। अच्छा जी ठीक है, समझ सर बात तो कर लीजिए। लीजिए फोन ही काट दिया है, जैसा ही कहा गया कि वीडियो में देख के नहीं लग रहा है कि ये लॉन्ग मुलाठी है, तो विधायक जी, माननीय विधायक ने फोन काट दिया है। जब उनसे तम्बाकू को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने फोन ही काट दिया। वहीं जब योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से इस पर सवाल पूछा गया तो महिला सदन पर बात करने लगे। देखिए पार्टी ने ही एक तरह से अवसर दिया है कुछ विधायकों को जो वहां पर तम्बाकू खाते नजर आए हैं, जो गेम खेलते नजर आए, इनका वीडियो वायरल हुआ। देखिए पहली बार ये विधायकों को इतना अवसर जो मिल रहा है, ये कभी आज तक के उसमें लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा अवसर नहीं मिला। अभी आप 22 तारीख को आप देखें, महिलाओं के लिए विशेष करके पहली बार जो है खुल करके महिलाएं बोली, पूरा दिन जो है महिलाएं बोली और पुरुष सुनते रहे। वहीं सपा इस मुद्दे को लेकर फायर मोड में है। सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो चर्चा में है, एक वीडियो में एक विधायक हैं जो तमाकू खा रहे हैं, एक में चैनी खैनी से सॉरी माफ कीजिएगा गेम खेल रहे हैं तीन पत्ती, क्या कहेंगे इस पर कि इस तरह के वीडियोस जो आते हैं सामने? शर्मनाक है, इससे लोकतंत्र का हर की व्यवस्था में, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बात छोड़िए, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपमानित होते हैं। जब वो जनता में जाते हैं, वोट तो वही मांगते हैं विधायकों सांसदों के लिए, आम कार्यकर्ता, जब वो जनता में जाते हैं तो लोग मॉक करते हैं, उनको जलील करते हैं कि ऐसे कैसे लोगों के लिए वोट मांगने आ जाते हो। भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए और कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई कानूनन मजबूरी का सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति में आप हो, जनता के वोट से बने हो, तो जनता का इस सिस्टम में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लोकसभा में विश्वास बनाए रखना, उसको लेजिटिमेट बनाए रखने के लिए उसका विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग और ऐसे गैर जिम्मेदार दल और उनके नेता पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिलेजिटिमाइज करने का काम करते हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।